हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। लिसन टू मी अबाउट द टॉपिक यूज ऑफ प्रेयर। पिछले वीडियो मैंने आपको प्रेयर पर केवल थोड़ा सा उसके बारे में बताया था कि प्रेयर का यूज कब कैसे। आज मैं आपको वो पूरा डिटेल में विद एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि देयर का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक डालते हैं ब्लैक बोर्ड पर, यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग, देयर का यूज हम कब करते हैं, एक शॉर्ट में मैं लिखता हूं, नोट डाल के। जब किसी सेंटेंस में पहले मैं आपको ओरल समझाता हूं कि इसमें क्या होता है। जब किसी वाक्य या सेंटेंस में कोई वास्तविक कर्ता ना हो, वास्तविक कर्ता, तो उस वाक्य को हम देयर से बनाते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, जिन वाक्यों से हमें किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन देनी हो या लेनी हो, तो वे वाक्य हम देयर से बनाते हैं। दोनों ही इसकी डेफिनेशन है, किसी से भी बना सकते हैं। मैं लिख देता हूं, यहां जब किसी वाक्य में कोई रियल सब्जेक्ट न हो, तो उन वाक्यों को देर से बना। कोई वास्तविक करता ना हो तो उन वाक्यों को हम देर से बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर भी आता है, तो अच्छा यदि वाक्य प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में है, तो देयर के बाद हम इज, आर और एम का यूज करते हैं। यदि वाक्य पास्ट का है तो देयर के बाद हम वाज वर्ब लगाते हैं, और यदि वाक्य फ्यूचर का है तो हम देयर के बाद शैल बी और विल बी। ओके, इस प्रकार से हम इन सेंटेंसों को कंप्लीट करते हैं।
देखिए मैं इनके एग्जांपल समझाता हूँ आपको, इसे रफ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कक्षा में 50 विद्यार्थी है, तो इस सेंटेंस से देख लो आपको कोई इसमें रियल सब्जेक्ट नहीं है। हम अगर इस सेंटेंस को पढ़ें और देखें तो मतलब जो रिजल्ट निकलेगा वो यही निकलेगा कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको लगेगा इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी जो है वो भी रियल सब्जेक्ट नहीं है, उनके बारे में केवल बताया गया है कि भाई इस कक्षा में इतने विद्यार्थी। अब सब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, मतलब किसी कार्य को करने वाला कहलाता है सब्जेक्ट कहलाता है, तो वो तो इसमें है नहीं, तो इसको हम जहाँ तो अब ये वो इसमें दिख नहीं रहा है, तो मतलब जिसमें कोई रियल सब्जेक्ट ना हो वो सेंटेंस कौन से होते हैं, वो सेंटेंस हम देर से बनाते हैं ये कह सकते हैं, जिसमें कोई वास्तविक कर्ता ना हो तो वो सेंटेंस हम देयर से बनाते हैं। अब जब ये सेंटेंस बनेगा तो ये इस तरीके से बनेगा। अब बाकी किसका है, प्रेजेंट का है, तो सबसे पहले तो देयर दे हो देयर। अब प्रेजेंट का है तो अपन देयर के बाद इस हम लगाते हैं, 50 है तो क्या आएगा, आर, तो देयर आर 50। स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो सेंटेंस बन गया देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। ठीक है, ऐसे नेगेटिव हो तो नेगेटिव के लिए इसमें नो का यूज ज्यादातर करते हैं, कोई नहीं के लिए अपन लगाएंगे एनी, जिसे हमने कहा घर में कोई व्यक्ति नहीं है, घर में कोई व्यक्ति नहीं है, तो ये सेंटेंस बनेगा देयर इज नो पर्सन इन हाउस, इस तरीके से बनी होगी नो। अब इंटरोगेटिव हो जैसे क्या इस कमरे में विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन
तो अगर इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट का प्रेजेंट पहले ले लेंगे तो इसमें बस विद्यार्थी तो आर आ जाएगा, आर देयर 10 स्टूडेंट्स टेन स्टूडेंट्स इन दिस रूम। और क्वेश्चन इस तरीके से ये सेंटेंस अपन बना सकते हैं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हम कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से। इसको रफ करते हैं, आगे और बताता हूँ थोड़ी। जैसे हमने कहा आपके घर में कितने सदस्य हैं? ये हमने लिखा है ना, आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितना और कितनी। इसकी अंग्रेजी होती है हाउ मेनी और हाउ मच होती है, कितना कितने की। अगर वाक्य में सेंटेंस के अंदर काउंटेबल नाउन है, अब काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। अगर वाक्य में काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी, और यदि वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं हाउ मच। काउंटेबल है तो हाउ मेनी और अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। तो वैसे ये सेंटेंस है, सदस्य क्या है गिन सकते हैं, तो किस क्या आएगा इसमें, सबसे पहले हाउ मेनी। हाउ मेनी लगा दिया। अब जो हेल्पिंग वर्ब जिसको इंडिकेट करता है सेंटेंस इज आर एम, तो कितने सदस्य हैं, सदस्य बहुत हैं तो आ गए, तो आ जाएगा हाउ मेनी। सॉरी इनके साथ जो मतलब हाँ हाउ मेनी हाउ मच और विच के साथ जो मतलब नाउन होता है ना उसको साथ लेके आते हैं, तो आएगा हाउ मेनी मेंबर्स। आर हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर हाउस। ये बन गया, तो सेंटेंस बन गया हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर हाउस। इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं जो आपको बना के लाने हैं, कंप्लीट करने हैं। ये मैं लिख दूंगा यहां पर सारे सेंटेंस, वो आप देखें ध्यान से। बहुत ही मतलब ये ध्यान रखना है हमें कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, कहाँ पर इजारन, कब इजारन लगता है, कब बार वॉज वर लगता है, बस ये सारी चीजें याद रखनी है, बाकी के हम लोग बना सकते हैं।
जैसे अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे। जैसे हमने पहला सेंटेंस लेते हैं, बर्तन में दूध नहीं है। तो पहला सेंटेंस है बर्तन में दूध नहीं है, मैं बोल देता हूं और बोल के आराम से लिख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे, क्या अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था? क्या अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था? तीसरा सेंटेंस है, रेलवे स्टेशन पर अनेक व्यक्ति थे। रेलवे स्टेशन पर अनेक व्यक्ति थे। और अगला सेंटेंस है, उसके उसके कथन में कोई सच्चाई नहीं है। उसके कथन में कोई सच्चाई नहीं है। और 5 नंबर का सेंटेंस है, बाढ़ के कारण चारों ओर पानी ही पानी है। बाढ़ के कारण चारों ओर पानी ही पानी है। यहाँ तुम्हारे रहने के लिए, यहाँ तुम्हारे रहने के लिए कोई कमरा नहीं है। यहाँ तुम्हारे रहने के लिए कोई कमरा नहीं है। और अगला सेंटेंस है, चंद्रमा पर न हवा न पानी है। चंद्रमा पर न हवा न पानी है। अगला सेंटेंस है, मार्च में 31 दिन होते हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं। और अगला सेंटेंस है, क्या उसके लौटने की कोई आशा है? क्या उसके लौटने की कोई आशा है? क्वेश्चन मार्क। इस घर में कोई व्यक्ति नहीं है। अगला है, इस घर में कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये सेंटेंस है जो हम वो बनाने हैं। इसमें मैं कुछ स्पेलिंग्स बता रहा हूँ, जैसे अस्पताल की तो जानते सभी, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन की भी जानते हैं। कथन की होती है स्टेटमेंट, STATEMENT, स्टेटमेंट माने होता है कथन। सच्चाई की होती है ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ माने सच्चाई। चंद्रमा की मून, हाँ, और बाढ़ की होती है फ्लूड, FLOOD, फ्लूड। और चारों ओर की होगी ऑल अराउंड, ALL अराउंड, ARUND, ऑल अराउंड माने चारों ओर। चंद्रमा की होती है मून, MOON। एयर माने हवा, वाटर माने पानी। लौटने की कोई आशा नहीं है, कमिंग बैक माने होता है लौटना, और होप माने होती है आशा, HOP, होप। कमिंग बैक और होप माने आशा, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपन को क्या करने हैं, कंप्लीट करना। ये तो हो गया अपना देयर का इश्यूज। एक और छोटा सा यूजर बताता हूँ, वो अपन को करना है। इसके बाद यूज आता है, यूजर आता है नेक्स्ट। हम
इसके बाद यूज ऑफ बिगेन। बिगेन टू का यूज कब करते हैं? बिगेन टू का यूज बहुत सारा किया जाता है सेंटेंस में। हम ये कह सकते हैं हिंदी में इसके लिए कहें तो जिन वाक्यों में लगा लगी लगे शब्द, जिन वाक्यों की क्रिया के अंदर लगा लगी और लगे शब्द लगे वो शब्द, तो वहां पर हम अगर ऐसा किसी मतलब क्रिया के लास्ट में ये शब्द आते हैं तो वे वाक्य हम बिगेन टू की सहायता से बनाते हैं, वो सेंटेंस हम बिगेन टू की हेल्प लेकर के कंप्लीट करते हैं। ऐसे कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वह रोने लगा, तो ये सेंटेंस बनेगा कि began to be, he began to be, वह पढ़ने लगा, वह चलने लगा, सॉरी सेंटेंस में जाएगा ही बिगेन टू वॉक, ही बिगेन टू वॉक। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस इनको बना सकते हैं बिगेन टू से, बिगेन टू की हेल्प लेकर के हम इन सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये होता है यूज ऑफ बिगेन। बहुत सारे सेंटेंस हैं, मैं अंग्रेजी सीखने लगा, मैं सेंटेंस बता देता हूँ चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखने लगा, वह मुझे पढ़ाने लगा, मैं वहां जाने लगा, वह मेरे पास आने लगा, वह मेरे पास आने लगा, मैं गरीबों की मदद करने लगा, मेरी माँ मुझे डांटने लगी। तो आपको ये सेंटेंस भी कंप्लीट करने हैं, ये भी बनाने हैं आपको बिगेन टू की सहायता से। तो इस प्रकार से हम बिगेन टू का यूज करते हैं। इसके बाद एक और यूजर है, मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा ये जैसे बिगेन टू है वैसे, वो भी देखें। इसके बाद यूज आता है अगला यूज, यूज ऑफ अबाउट टू, अबाउट टू का अर्थ होता है वाला, मतलब हम जैसे बिगेन टू का मैंने बताया था कि बिगेन टू के हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्या आता है, वैसे ही अबाउट टू के में भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता है। वो क्या आता है? जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में वाला वाली वाले शब्द आते हैं, जैसे वाला वाली और वाले शब्द, तो उन वाक्यों को हम अबाउट टू से बनाते हैं। लेकिन इसका यूजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि हमारा ये वीडियो 25 मिनट्स से का हो गया लगभग,
और फिर इसको मतलब डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आती है, होती है, वो हो नहीं पाता है। तो आज के हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा कि अबाउट टू का यूज़ किस प्रकार से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।